नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नेट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बारी हम लोग का डीएनए रिप्लिकेशंस, और उसके बाद कुछ टाइम बचेगा तो हम लोग जीन्स को देखेंगे, लेकिन जीन को इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और एक्चुअली हम लोग का ऑलरेडी कई सारा क्लासेस, मतलब मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है। अगर आप अटेंड नहीं किए अभी तक तो उसे जरूर से जरूर अटेंड कर लो, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो सभी क्लास YouTube पे अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में, और हमारे इस चैनल पे भी अवेलेबल है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। हमारा है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग मेंडेलियंस इनहेरिटेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि कई सारा चीज, कई सारे डिटेल्स कि किस प्रकार से इनहेरिटेंस होता है, क्या क्या करेक्टर्स है, किस तरीके से होता है, वो सब कर चुके हैं। लेकिन इन रियलिटी जिस समय कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट किए, मेंडल्स ये सभी चीज़ को खोजे, उस समय टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा नहीं था, इसीलिए वो इसी चीज़ को करने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन हाँ, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स फिर भी वही कहलाते हैं, क्योंकि विशेष योगदान है जेनेटिक्स में उन्हीं का, मेंडल का। सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडे क्लास। तो आज हम लोग देख रहे हैं डीएनए रिप्लिकेशन एंड जीन, जिसमें कि डीएनए जो प्री एग्जिस्टिंग डीएनए है, प्री एग्जिस्टिंग डीएनए वही पहले ब्रेक होता है, ब्रेक होके दो हेलिक्स में कन्वर्ट होता है, और उसी में न्यू स्ट्रैंड आके नाइट्रोजन बेसिस आके जुड़ते जाता है, जिसे कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस तरीके से न्यू स्ट्रैंड का, न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि जितना भी स्ट्रैंड्स होता है, जितना भी डीएनए सैंपल्स होता है, प्रत्येक में एक उसका पैटर्नल होता है, मतलब उसका ओरिजिनल वाला होता है, और एक ही न्यू उसमें जुड़ता है। क्लियर? चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन में, ऐसे डीएनए रिप्लिकेशन को थोड़ा सा लास्ट क्लास में भी ऑलरेडी देख चुके हैं, बोले तो L3 में देख चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर बड़ा है इसलिए एक क्लास में कंप्लीट ना होकर दो में हो रहा है, मतलब L3 एंड L4 में हो रहा है। लेकिन L3 को भी शॉर्ट में हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन एक साथ में नहीं हो सकता, और सिर्फ वहीं पर नहीं है, डीएनए रिप्लिकेशन यहां पर भी होना है। नाउ लेट अस सी द डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन में हम लोग ऑलरेडी ये भी चीज को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मैसिनरी एंड एंजाइम्स का, मैसिनरी एंड एंजाइम्स, लेकिन फिर भी हम लोग आज एक बार फिर से देखेंगे और इन डिटेल चलेंगे। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सजेस्टेड द कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, कंजर्वेटिव मॉडल, तो ये तुम लोग को बताना है। जैसे इसका ऑप्शन है कैंस, मेसलसन एंड स्टॉल, वार्सन एंड क्रीक एंड टेलर, इसके बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए आज इसका एक एग्जाम्पल लाए है। सी द मैक्सिनरी एंड एंजाइम्स क्या क्या है यहाँ पर। डीएनए रिप्लिकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन फैक्टर्स एंड मेटल्स आयन, मतलब यहाँ पर कई सारा एक प्रकार का मल्टी स्टेप प्रोसेस है, किसी एक प्रोसेस में ये कंप्लीट नहीं होता, कई सारा स्टेप्स में कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर कई प्रकार का एंजाइम्स, कई प्रकार का प्रोटीन फैक्टर्स और कई प्रकार का मेटल आयंस यहाँ पर एक्ट करता है। तो हम आज इन सभी को एक एक करके डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे उस चीज को जो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल्स इंजाइम्स के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं बहुत लेवल तक, तो जहां तक देखे हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, जो नहीं देखे थे थोड़ा सा स्पीड में और थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखेंगे। तो इसमें जो एंजाइम्स एक्ट करता है वो है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज एंड हेलिकेज। तो इसमें से हम लोग पहले देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज अ मेन एंजाइम व्हिच टेक्स पार्ट इन द कंबाइनिंग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। रिपीटिंग, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए डिपेंडेंट है जो कि मेन एंजाइम है, और यहां पर क्या करता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड को कंबाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब अलग अलग प्रकार का पॉलीमरेज भी होता है, डीएनए पॉलीमरेज, जैसे पहला नंबर है पॉलीमरेज अल्फा, जो कि इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन को काम करता है,
पॉलीमरेज बीटा डीएनए रिपेयर करता है, पॉलीमरेज गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर करता है, पॉलीमरेज डेल्टा रिप्लिकेशन एक्टिविटी करता है, एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ हेला सेल्स को ये रेगुलेट करता है। नाउ सी डीएनए लाइगेज, ये हो गया हमारा पॉलीमरेज। डिटेल में पॉलीमरेज हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो अगर लास्ट क्लास को नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना। नाउ सी द डीएनए लाइगेज, ये क्या है? डीएनए लाइगेज एंजाइम्स जॉइंस न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स होता है डीएनए का, जिसे हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, जहां पर कि फ्रेगमेंट के फॉर्म में फॉर्मेशन होता है। भिराज गुड इवनिंग। तो उसको सभी को ये एक दूसरे के साथ में ये जोड़ने में काम आता है। डिटेल में अभी कुछ देर में हम लोग देखने वाले हैं ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होता क्या है और किस प्रकार से ये जोड़ता है। एंड डीएनए लाइगेज वाज डिस्कवर्ड बाय खोराना। सबसे पहले डीएनए लाइगेज को खोजा गया था खोराना के द्वारा। नाउ डीएनए मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन बीएचयू 2006 में आया हुआ था। डीएनए मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन रिप्लीकेशन ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं, तो तुम लोग बता सकते हो कि अभी इसका क्या आंसर होगा। बाय द वे, अगर नहीं पढ़े हो लास्ट क्लास तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका आंसर आगे चल के आने वाला है। सी द रिप्लीकेशन मैकेनिज्म, डीएनए रिप्लीकेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एक फिगर है मेरे पीछे, तो इस फिगर में तुम देख पा रहे हो कि किस प्रकार से यहाँ पर डॉटर स्ट्रैंड का सेमी कंजर्वेटिव मोड में ये होता है। तो क्या है यहां पर, सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेशन में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसको कि ओरी साइट कहते हैं, ओरी साइट। ओके, ओरी साइट अभी आएगा। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, एक्सपोजर ऑफ पायरेन डीएनए स्ट्रैंड्स, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, बेस पेयरिंग, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन एंड प्रूफ रीडिंग। ये सारा चीज, क्योंकि कोई भी हो, चाहे नेचुरल फेनोमेना हो या ह्यूमन बींग्स का फेनोमेना हो, वहां पर मिस्टेक्स तो होगा, तो मिस्टेक्स होगा तो उसको सुधार करना जरूरी है, नहीं तो अगर मेजर मिस्टेक हो गया तो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रूफ रीडिंग भी होता है। ओके, सी द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होता है। रिप्लिकेशन बिगिंस एट द पार्टिकुलर स्पॉट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और ओरी, ओरी साइट या ओ आर आई, ओरी मतलब जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिस स्पॉट से, पार्टिकुलर स्पॉट से। हर जगह से डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता, उसका एक पार्टिकुलर स्पेस होता है, एक पार्टिकुलर जगह होता है, उसी जगह से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, जिसे कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन या ओरी कहते हैं। क्लियर, मूव। कुछ क्वेश्चंस है जो कि तुम्हें ये पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, जो जो क्लास अटेंड किए हो, जो जो क्लास अटेंड किए उसे ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो तुम लोग इसको अच्छे तरीके से देख लेना। सी, किस प्रकार से होता है एक्टिवेशन डीएनए रिप्लिकेशंस में, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स अकर फ्रीली इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स फ्रीली फॉर्म में रहता है। दे आर फर्स्ट फॉस्फोरिलेटेड एंड चेंज टू एक्टिव फॉर्म्स विच हैव थ्री फॉस्फेट रेसिड्यूज इंस्टेड ऑफ वन। ये फॉस्फोरिलेटेड, फर्स्ट फॉस्फोरिलेटेड रहता है, मतलब इसमें एक ही फॉस्फोरिलेटेड फॉस्फेट ग्रुप रहता है, लेकिन जिस समय इसका एक्टिवेशन होता है तो एक्टिवेशन में वन फॉस्फेट से थ्री फॉस्फेट ग्रुप यहां पर हो जाता है। एंड एंजाइम फॉस्फोरिलेज इज रिक्वायर्ड अलोंग विथ एनर्जी, और ये कंप्लीट प्रोसेस में फॉस्फोरिलेज एंजाइम की जरूरत पड़ता है एनर्जी के साथ साथ। ओके, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा, जैसे कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। अब यहां पर H3PO4 का फॉर्मेशन, मतलब अटैचमेंट होगा दो और कॉपी। ओके, मोनोफॉस्फेट का डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट या साइटोसिन एंड डीऑक्सी थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से तीन तीन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया।
क्लियर है यहां तक? नाउ कमिंग टू द एक्सपोजर ऑफ पेरेंट्स डीएनए स्ट्रैंड्स। अब यहां पर जो पेरेंट्स डीएनए स्ट्रैंड्स है, जहां से कि न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होना है, जहां से कि डीएनए रिप्लिकेशन होना है इन रियलिटी, उसका एक्सपोजर चाहिए। तो क्या होता है, एंजाइम्स हेलिकेज दैट इज अनवाइंडेज, हेलिकेज एंजाइम को अनवाइंडेज भी कहा जाता है, याद रखना है इसे। तो एक्ट ओवर द ओरी साइट एंड अनवाइंड द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय डिस्ट्रॉइंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, जिसको अनवाइंडेज भी कहता है, जो मेन रूप से ओरी साइट है, जहां से कि ओरिजिन होना है डीएनए रिप्लिकेशन को, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है और तोड़ के वहां पर गैप क्रिएट कर देता है, जो कि यहां पर इस ब्यूटीफुल एनिमेशन में तुम देख सकते हो, जो कि यहां पर दिखलाया गया है इस ब्यूटीफुल एनिमेशन में। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इनटू टू स्ट्रैंड्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिप्लिकेशन फोर्क और वाई फोर्क। अब यहां पर जैसे ये खुल रहा है डीएनए स्ट्रैंड, तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसे कि वाई फोर्क या वाई शेप्ड स्ट्रक्चर या रिप्लिकेशन फोर्क भी कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, एक्सपोजर ऑफ पेरेंट्स डीएनए स्ट्रैंड्स में ही हम लोग देखते हैं, ये यहां पर 2D स्ट्रक्चर से तुम्हें दिखलाया गया है, ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आए 3D के साथ साथ 2D में। द एक्सपोजर ऑफ सिंगल स्ट्रैंड्स आर स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज SSBP। सिंगल, अब ये जो यहां पर जो बाइंडिंग हुआ और जो लिपटा हुआ था आपस में, वो जो अब छोटा है ना, तो छोटा है तो फिर से तुम रस्सी कभी खोले हो, जब रस्सी जो बंधा हुआ रहता है, रस्सी को जब खोलते हो तो देखते हो अगर छोड़ दे तो फिर से वो लिपट जाता है, तो फिर से वहां पे वो लिपट ना जाए, रस्सी जब खोलते हो तो वो फिर से लिपट ना जाए, उसको रोकने के लिए क्या करता है कि उसको एक स्टैंड, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन उससे जाके अटैच हो जाता इस पॉइंट्स पे, जो कि उसको जुड़ने नहीं देता, मतलब उसको स्टेबलाइज कर देता है। यू कैन सी हियर, जस्ट अ मिनट, सॉरी मैं यहां पे अभी नहीं दिखला सकता, चलो मैं दिखला सकता हूं। यू कैन सी हियर, तुम्हें ये तार नजर आ रहा होगा, ये तार में इसी प्रकार से वो उलझा रहता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, तब ओरी साइट पे, जो पार्टिकुलर ओरी साइट है, ओरिजिन साइट, वहां से ही ये हेलिकेज एंजाइम एक्ट करता है और इस तरीके से खोलना स्टार्ट करता है, राइट? ये देख रहे हो, इस तरीके से वो खोलना स्टार्ट करता है। अब यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया और इसी को वाई फोर्क कहते हैं या रिप्लिकेशन साइट कहते हैं, लेकिन अगर इसको छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से फिर से पैक हो जाएगा। देखो इसको खोल दिया हेलिकेज एंजाइम, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे फिर से आपस में लिपट जाएगा, वैसे ही ये डीएनए स्ट्रैंड भी फिर से आपस में लिपट जाता है। तो ये फिर से वो आपस में लिपट ना जाए, तो जैसे कभी मैं यहाँ पे अपने फिंगर से पकड़ा हुआ हूं, तो वैसे ही यहां पर एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP यहां पर पकड़ लेता है। तो पकड़ने का परिणाम क्या होता है, चारों बगल से जब पकड़ लेगा तो ये आपस में फिर से जुड़ेगा नहीं, तो इसको एक तरह से स्टेबलाइज कर देता है। क्लियर है यहां तक? तो ड्यू टू अनवाइंडिंग ए सुपर कोइलिंग गेट्स डेवलप ऑन द एंड ऑफ डीएनए अपोजिट टू रिप्लिकेटिंग फोर्क। अब क्या है कि यहां पर अगर इस तरीके से इसको खोलोगे तो यहां पर देखो ये टाइट कोइलिंग हो रहा है रिप्लिकेशन फोर्क के अपोजिट में, यहां से रिप्लिकेशन है लेकिन यहां पर टाइट कोइलिंग हो रहा है, मतलब अभी तो लूजली अरेंज है, लेकिन जब हम इसको खोलेंगे तो यहां पर टाइट कोइलिंग हो रहा है। ये जो टाइट कोइलिंग हो रहा है यहां पे, इसको सुपर कोइलिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपोजिट रिप्लिकेशन फोर्क में सुपर कोइलिंग क्रिएट हो गया। ओके, दिस टेंशन इज रिलीज्ड बाय एंजाइम टोपोआइसोमेरेज। अब इस चीज को, ये जो टेंशन क्रिएट हुआ ना यहां पे, इस टेंशन को टोपोआइसोमेरेज के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। इसको काट के यहां पर, अगर ये जैसे रिलीज हुआ, इसको उल्टा, जैसे मान लो यहां पर सुपर क्वेलिंग हो गया है, इस जगह पे देखो सुपर क्वेलिंग हो गया, अगर इसको हम फिर से इस तरफ से रिलीज कर देंगे इसको, ये सुपर क्वेलिंग यहां से रिलीज हो जाएगा, जो टेंशन क्रिएट हुआ ना सुपर क्वेलिंग वाला, वो हटा दिया जाएगा बाय द एंजाइम टोपोआइसोमेरेज। याद रखना है, टोपोआइसोमेरेज के द्वारा ये टेंशन को रिलीज कर दिया जाता है। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए गायरेज
हैज टोपो आइसोमेरेज एक्टिविटी। अगर तुम प्रोकैरियोट की बात करते हो, ठीक है, तो प्रोकैरियोट में टोपो आइसोमेरेज नहीं होता, टोपो आइसोमेरेज का काम करता है गायरेज। ओके, गायरेज एंजाइम ये टेंशन जो क्रिएट हुआ है सुपर कॉइलिंग के द्वारा, उस टेंशन को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ पैरेंट डीएनए स्टैंड्स द डीएनए रिप्लिकेशन। अब जो पैरेंट है, अब यहां पर जो भी बात को बोले यहां पर उस चीज को दिखलाया गया है, यहां पर देख सकते हो। अब मैं इसे छोड़ रहा हूं। ओके, ये देखो टेम्पलेट स्टैंड है, दोनों तरफ टेम्पलेट स्टैंड है। तो ये इस तरीके से जब खुला, जहां पर रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हुआ, तो एक तरफ लगातार जिसका 5' एंड 3 है, जिसका 5' जैसे यहां पर ये 3' 3' एंड है, तो 3' एंड पे 5' के तरफ से चलता है, और डीएनए जो मूव करता है ओएच साइट जो होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पर होता है वहां पर नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ता है, जो कि ये 3' एंड पे होता है 3'। तो ये यहां पर इसीलिए इस डायरेक्शन में मूव करता है जब भी जाएगा। तो जिसका 3' एंड बाहर की तरफ है, तो वहां पर लगातार स्टैंड का फॉर्मेशन होते चला जाता है, वहां पर कोई गैपिंग नहीं होता, उसको लीडिंग स्टैंड कहते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ अपोजिट स्टैंड जिसका कि 5' एंड 3 है, तो यहां पर होना क्या है, रिप्लिकेशन होना है 5 से 3' की ओर। तो यहां पर 5 से 3' की ओर होना है, तो इसीलिए यहां पर जितना खुलता है पहले उतना बन गया, फिर आगे खुलता है फिर उतना बन गया, और फिर आगे खुलता है फिर उतना बन गया। तो इसी प्रकार से ये बार बार खुलता जाता है, बनता जाता है, और इसीलिए यहां पर ये फ्रेगमेंट्स में बनता है, और इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और जिस स्टैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ उसी को लैगिंग स्टैंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लैगिंग स्टैंड। नाउ सी द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। तो ये जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्टली डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता, जहां पर ओरी साइट है ओरी साइट पे पहले आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। देखो यहां पे एट द फ्री 3' एंड ऑफ वन स्टैंड एंड फोर्क एंड ऑफ द सेकेंड स्टैंड। क्या बोल रहा है, जो 3' एंड है ये पहला स्टैंड का, और इसी तरफ से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और जो दूसरा स्टैंड है इसका इस तरफ से फोर्क एंड से, इधर है ना फोर्क एंड से स्मॉल स्टैंड ऑफ आरएनए इज सिंथेसाइज। वहां पर क्या होता है, स्मॉल स्टैंड आरएनए का सिंथेसाइज होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज। उस एंजाइम को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, या उसी को प्राइमेज कहते हैं। द सिंथेसाइज आरएनए इज कॉल्ड आरएनए प्राइमर। ये जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है उसको आरएनए प्राइमर कहते हैं, जिसका कि 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है, 4 से 12 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। नाउ कमिंग टू द बेस पेयरिंग। अब जब प्राइमर का भी फॉर्मेशन हो गया, रिप्लिकेशन फॉर्क भी हो गया, रिप्लिकेशन अलग अलग भी हो गया, अब यहां पर बेस पेयरिंग होना है। द टू सेपरेटेड डीएनए स्टैंड्स इन द एरिया ऑफ रिप्लिकेशन फॉर नॉ फॉर फंक्शन। अब यहां पर जो दो सेपरेटेड एंड है, डीएनए स्टैंड है, अब वो फंक्शन करने स्टार्ट कर देता है। देयर नाइट्रोजन बेसिस अट्रैक्ट कंप्लीमेंट्री फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसका जो नाइट्रोजन बेसिस है ना, तो वो अपना कंप्लीमेंट्री फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को लेता है। फॉस्फोरिलेटेड मतलब 3 वहां पर फॉस्फेट ग्रुप जुटा हुआ है। ठीक है, डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, अपना कंप्लीमेंट्री, तो अपना कंप्लीमेंट्री बोले तो एडिनिन किसके साथ रिप्लिकेट करता है, किसके साथ जुड़ता है, एडिनिन थायमिन के साथ जुड़ता है। तो यहां पर थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट आके जुड़ेगा, अगर ए यहां पर फ्री एंड है तो। वैसे ही अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन को अट्रैक्ट करेगा, और इसी प्रकार से आता जाता है और जुड़ता जाता है। यू कैन सी है, यहां पर एनिमेशन में दिखलाया गया है, यहां पर तुम देख सकते हो कि इसका कंप्लीमेंट्री एक स्टैंड मूव करता जा रहा है, और उसी के अपोजिट कंप्लीमेंट्री में आ आके यहां से जुड़ता जा रहा है। ठीक है, एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज रिमूव्स 2 फॉस्फेट्स। एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज रिमूव्स 2 फॉस्फेट्स फ्रॉम फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स एंड चेंज देम इनटू
मोनोफॉस्फेट स्टेट। अब यहां पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है पायरोफॉस्फेटेज। ये पायरोफॉस्फेटेज डीएटीपी था ना, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब वहां से दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट को जो जुटा था एक्टिवेशन के टाइम में, अब उस फॉस्फेट को रिमूव कर देगा डीऑक्स ये वाला। अब क्या होता है, तो यहां पर जब फॉस्फेट को रिलीज करेगा तो इट रिलीजेज एनर्जी विच इज यूज इन बिल्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इससे एनर्जी रिलीज होता है और यही एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, पेन का कलर चेंज होगा। इट रिक्वायर्स डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इन प्रोकैरियोट्स एंड पॉलीमरेज डेल्टा इन यूकैरियोट्स, डेल्टा और एप्सिलॉन इन यूकैरियोट्स। क्या है, अब यहां पर न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन में अब पॉलीमरेज थर्ड प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में डेल्टा या एप्सिलॉन का जरूरत पड़ेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2+ एटीपी जीटीपी टीपीपी एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड द एडिशन न्यूक्लियोटाइड्स एस्टैब्लिशेस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड गेट लिंक्ड टू फॉर्म रिप्लिकेटेड डीएनए स्ट्रैंड। अब यहां पर जो दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स आया है नाइट्रोजन बेसिस, अब आपस में जो एडजेसेंट होगा आसपास वाला आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यू कैन सी हियर पहला नंबर क्या है, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इनिशिएशन क्या होता है, प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज यहां पर है जिसके अंदर में कि सिग्मा फैक्टर है और इस प्रकार से इनिशिएट हुआ। उसके बाद ये आगे जैसे यहां पर ये प्राइमर जुटा, अब ये प्राइमर और ये जो मैकेनिज्म सिग्मा फैक्टर है ये आगे बढ़ता चला जाता है और न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता चला जाता है और लास्टली टर्मिनेशन होता है। ये सारा मैकेनिज्म आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं इन द कंसेक्यूटिव क्लासेस, कि क्योंकि अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है सिग्मा फैक्टर या किस प्रकार से इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन होता है। तो इन द कंसेक्यूटिव क्लासेस वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश इन रियलिटी कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर बेसिस पे होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। बस अभी सिर्फ प्रोसेस समझो कि किस प्रकार से होता है, आगे सब आएगा। ठीक है बच्चों, एंड लास्टली जब कंप्लीट डीएनए का सिंथेसिस रिप्लिकेशन हो जाता है तो फिर इसका टर्मिनेशन हो जाता है। ओके, अब आते हैं सेम उसी में न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन में, द रिप्लिकेशन प्रोसीड्स न्यू एरियाज ऑफ पैरेंट डीएनए डुप्लेक्स अनवाइंड एंड सेपरेट सो दैट रिप्लिकेशन प्रोसीड्स रैपिडली। अब यहां पर डीएनए जो रिप्लिकेशन है प्रोसीड करता चला जाता है न्यू एरिया में और उसको खोलता चला जाता है, मतलब ये सब अलग अलग नहीं होता ऐसा कि खोल के बैठ जाएगा आगे में तब जाके वहां पर डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं है। सारा काम एक ही साथ चलता है ताकि प्रोसेस बहुत फास्ट और स्पीड में चल सके। ओके, आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड एंड द गैप फिल्ड विद कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स बाय मींस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वन। अब क्या है, जब सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है तो अब वहां पर जो आरएनए प्राइमर बना था उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब वो जो रिमूव कर दिया गया आरएनए प्राइमर, तो उसके जगह पे वो जो गैप क्रिएट हुआ उसको भरना भी जरूरी है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज वन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा उसको भरा जाता है। ठीक है, एंड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रन इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, एक ऐसे चल रहा है तो दूसरा ऐसे चलता है, राइट, एंटी पैरेलल। यहां पर तुम एनिमेशन में देख पा रहे हैं दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। सो द टू टेम्पलेट्स प्रोवाइड डिफरेंट एंड्स फॉर रिप्लिकेशन, इसीलिए दोनों जो अलग अलग एंड प्रोवाइड करता है रिप्लिकेशन का, रिप्लिकेशन ओवर द टू टेम्पलेट्स प्रोसीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब चूंकि स्ट्रैंड अपोजिट है इसीलिए जो रिप्लिकेशन है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ही प्रोसीड करता है। तो ये किस प्रकार से होता है, वन स्टैंड विथ पोलैरिटी 3' to 5', एक स्टैंड पे जो पोलैरिटी 3' to 5' है उसके ऊपर जो कंप्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन होता है कंटिन्यूअस होता है। 3' एंड ऑफ द लेटर इज ऑलवेज ओपन फॉर इलोंगेशन, क्योंकि यहां पर जो 3' एंड है वो हमेशा ओपन रहता है इलोंगेशन के लिए हमेशा, एंड इट इज कॉल्ड द लीडिंग स्टैंड, और इसको लीडिंग स्टैंड कहा जाता है। इसके जस्ट अपोजिट रिप्लिकेशन इज
डिसकंटिन्यूअस ऑन द अदर टेम्पलेट विद द पोलैरिटी 5' to 3', जहां पर पोलैरिटी 5' to 3' है, ये वाला 5' to 3', वहां पर बिकॉज ओनली शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड कैन बी बिल्ट इन 5' to 3' डायरेक्शन, यहां पर शॉर्ट सेगमेंट ये देख रहे हो, छोटा छोटा सेगमेंट ही बन सकता है। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ रिप्लिकेशन डीएनए आर कॉल्ड द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और ये जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स होता है इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। एंड ईच ऑफ देम हैज 1000 to 2000 बेस पेयर इन प्रोकैरियोट्स एंड 100 to 200 बेस पेयर्स इन यूकैरियोट्स। क्लियर, मतलब प्रोकैरियोट्स में 1000 to 2000 बेस पेयर रहता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में 1000 से लेके यूकैरियोट्स में 100 से 200 ही रहता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन से जो कि डीयू मेट 2010 में आया हुआ था, ओकाजाकी इज नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ओकाजाकी किस चीज के लिए जानता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डीएनए रिप्लिकेशन एंड म्यूटेशन। डेफिनेटली अभी तुरंत हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए रिप्लिकेशन। नाउ कमिंग टू द डीएनए न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन में ही आरएनए प्राइमर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड एवरी टाइम ए न्यू ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज टू बी बिल्ड। अब जो आरएनए प्राइमर का जो फॉर्मेशन हो रहा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में, तो जितना बार डीएनए का होगा जितना भी फ्रेगमेंट्स बनेगा प्रत्येक जगह पे एक नया प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, जबकि जो लीडिंग स्ट्रैंड है लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर सिर्फ एक ही प्राइमर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है जहां पर कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर अलग अलग सेगमेंट में बन रहा है, इसीलिए प्रत्येक सेगमेंट में प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। ओके, एंड आफ्टर रिप्लिकेटिंग आरएनए प्राइमर विद द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड देयर पॉलीमराइजेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय मींस ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। और बाद में क्या होता है, जब कंप्लीट सिंथेसिस हो जाता है तो डीएनए लाइगेज के द्वारा ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ दिया जाता है। एंड डीएनए स्ट्रैंड बिल्ट अप ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड्स, और जहां पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। एज वन स्ट्रैंड ग्रोज कंटिन्यूसली व्हाइल द अदर स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड डिसकंटिन्यूअसली डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पर एक पे लगातार हो रहा है दूसरे पे टुकड़ों में हो रहा है, इसीलिए डीएनए रिप्लिकेशन को सेमी डिसकंटिन्यूअस हम लोग कहेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन। नाउ डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, अगर नीट की एग्जाम की बात बोलें तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझना जरूरी है, लेकिन अगर तुम लोग का जो ट्वेल्थ का एग्जाम होगा तो ट्वेल्थ के एग्जाम में ये लिखने के लिए आ सकता है द राइट डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। सो यहां पे देखो, इट इज अ लीडिंग स्ट्रैंड में इट इज अ रिप्लिकेटेड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच ग्रोज कंटिन्यूसली विदाउट एनी गैप, यू कैन सी हियर कोई गैप नहीं है, यहां पर लगातार बढ़ते चला जाता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है गैप रहता है और फ्रेगमेंट्स में होता है, जिस फ्रेगमेंट्स को कि हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, बोले तो इट्स ग्रोथ इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, इट्स ग्रोथ इज डिसकंटिन्यूअस। दूसरा केस का, इट डज नॉट रिक्वायर डीएनए लाइगेज फॉर इट्स ग्रोथ डीएनए। अब इसमें क्या है, यहां फ्रेगमेंट्स में बन नहीं रहा, तो फ्रेगमेंट्स में जो नहीं बन रहा इसीलिए यहां पर लाइगेज की भी जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रेगमेंट्स में बनेगा तब तो उसको जोड़ने की जरूरत पड़ेगा, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है ये डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए यहां पर डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ता है जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ेगा। डन। अब आगे लीडिंग स्ट्रैंड में द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इज लीडिंग स्ट्रैंड इज 5' to 3', और इसमें डायरेक्शन क्या है 3' to 5' थ्रू ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इज 5' to 3' डायरेक्शन, मतलब यहां पर उल्टा होता है लेकिन प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट सही डायरेक्शन में है, 5' to 3' ही है। ओके, फिर से लीडिंग स्ट्रैंड में ओनली सिंगल आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में मल्टीपल, क्योंकि वहां पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहा है इसलिए मल्टीपल प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड इज क्वाइट रैपिड, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड काफी स्लो होता है। एंड लीडिंग स्ट्रैंड में इट टेम्पलेट्स ओपन इन 3' to 5' डायरेक्शन, और यहां पर क्या है 5' to 3' डायरेक्शन। एंड लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड बिगिंस इमीडिएटली एट द बिगिनिंग ऑफ रिप्लिकेशन, जैसे ही रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में ऐसा नहीं होता,
थोड़ा देर के बाद होता है, क्योंकि थोड़ा सा कम से कम एक टुकड़ा बनने लायक खुले तो जब खुलेगा तो होगा। अब सवाल आता है प्रूफ रीडिंग का, जो कि लास्ट स्टेज है हम लोग का डीएनए रिप्लिकेशन का। क्या होता है इसमें, ए रॉन्ग बेस इज समटाइम्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। अब इतना लेंथी प्रोसेस है, इतना बड़ा प्रोसेस है और साथ ही साथ इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो गलती तो हो सकता है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, मिस्टेक्स तो होना ही होना है। तो ये जो कभी कई बार क्या होता है कभी कभी कि रॉन्ग बेस पेयर ला दिया जाता है। अब जो तो फ्रीक्वेंसी इज 1 in 10,000, 10,000 बेस पेयर में एक बार ऐसी गलती होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज एबल टू सेंस द सेम, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है वो सेंस कर लेता है कि कहीं पर गलती हो गया है, एंड इट गोज बैक। अब डीएनए पॉलीमरेज बैक जाता है, पीछे जाता है, रिमूव्स द रॉन्ग बेस, जो गलत से बेस आ गया उसको रिमूव करता है, अलाउज एडिशन ऑफ प्रॉपर बेस एंड देन प्रोसीड्स फॉरवर्ड। अब क्या करता है, वहां पर जो सही बेस पेयर है बेस को लाके जोड़ देता है और फिर से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश यूरासिल फ्रॉम थायमिन सो दैट इट इज ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इन प्लेस ऑफ थायमिन। एक्चुअली पॉलीमरेज थर्ड जो है ना वो यूरासिल और थायमिन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, दोनों लगभग एक ही जैसा होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है, हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हम लोग देख भी चुके हैं, लेकिन जो नहीं देखे वो फर्स्ट ईयर में, तो हम लोग का जब फर्स्ट ईयर का क्लासेस चलेगा उसमें जरूर देख लेना। ओके, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिमूव्स द मिसमैच और रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स इफ प्रेजेंट एंड सिंथेसाइज अ करेक्ट रिप्लेसमेंट बाय यूजिंग द इंटैक्ट स्टैंड एज टेम्पलेट। अब यहां पर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज वन क्या करता है, जो मिसमैच या रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स है अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसको निकाल देता है और सही स्टैंड का फॉर्मेशन करता है, सही न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, एंड द न्यूली फॉर्म्ड सेगमेंट इज सील्ड बाय द डीएनए लाइगेज। अब जो नया सेगमेंट का फॉर्मेशन हुआ उसको सील कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है डीएनए लाइगेज के द्वारा। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन में, जो कि तुम्हें थोड़ा सा जानना है, क्योंकि तुम्हारे नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ट्वेल्थ के एग्जाम में तुम्हें ये डिस्क्रिप्टिव में आता है, जो कि तुम्हें डिफरेंस लिखना पड़ेगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन। सो इट अकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड इन यूकैरियोट इट अकर्स इन द न्यूक्लियस। देयर इज अ सिंगल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट, जबकि इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन आर न्यूमरस, बहुत होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैरीज आउट बोथ इनिशिएशन एंड इलोंगेशन। पॉलीमरेज थर्ड जो है प्रोकैरियोट में इनिशिएशन भी करता है और इलोंगेशन भी करता है, जबकि इसमें इनिशिएशन इज कैरीड आउट बाय द डीएनए पॉलीमरेज अल्फा व्हाइल इलोंगेशन इज कैरीड आउट बाय द पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन। डीएनए रिपेयर्स एंड गैप फिलिंग्स इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जबकि इसमें द सेम इज परफॉर्म बाय द डीएनए पॉलीमरेज बीटा। क्लियर है दोनों में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में? नाउ आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जबकि इसमें आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज बीटा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर लार्ज, दैट इज 1,000 to 2,000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। ओके, इसमें रिप्लिकेशन इज वेरी रैपिड, सम 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यू कैन इमेजिन, जबकि इसमें काफी स्लो होता, ओनली 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। डीएनए गैरेज इज नीडेड, और इसमें डीएनए गैरेज इज नॉट नीडेड यूकैरियोट में। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जीन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास जीन, जिसमें हम लोग जीन देखेंगे, और ये होगा हम लोग का कल। ओके, बाय बाय।